ನಾವೀಗ ಗುಜರಾತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಚುನಾವ್ ಚಲ್ ರೇನ ಭಯ್ಯಾ, ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಹೇ, ಕೌನ್ ಆಗೇ ಹೇ, ಕೌನ್ ಪೀಚೇ ಹೇ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿ ಹೇ, ಪತಾ ಹೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹೀ ಆಗಿ ರಹೇಗಿ. ಕ್ಯೂ? ದಬದಬಾ ಹೇ ಉನ್ಕಾ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಯೋಗಿ, ಯೋಗಿ ಸಬ್ಕಾ ದಬದಬಾ ಹೇ. ಮತಲಬ್ ವೋ ಉನ್ಕಿ ಜೊ ಲೆಗಸಿ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೇ ನಾ, ವೋ ಅಲಗ್ ಹೀ ದಿಖ್ತಿ ಹೇ. ಓಕೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಾ ಪಕ್ಷ, ವೋ ಬಿ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ ನಾ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೇ ಹೇ ಆಪ್? ದೇಖೋ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ, ನೋ ಡೌಟ್. ಹಾಂ, ಸಹಿ ಹೇ, ಕರೋ, ಟ್ರೈ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಅಗರ್ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೀ ಅಚ್ಛಾ ಹೇ, ಔರ್ ದೇಖಾ ಜಾಯೆ ತೋ ಲೋಗ್ ಜನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೀ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಹೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಜೋ ಕಿಯಾ ಹೇ, ಮತಲಬ್ ವೋ ಭೀ ಅಚ್ಛಾ ಹೀ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ, ಐಸಾ ನಹೀ ಹೇ, ಪರ್ ಉನ್ಸೆ ಜಿತ್ನಾ ಹೋಗಾ ವೋ ಉತ್ನಾ ಟ್ರೈ ಕರೇಂಗೇ, ದೇಖ್ತೇ ಹೇ ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯೇ. ಚಾನ್ಸ್ ನಹೀ ದೋಗೆ? ಆಪ್ಕೋ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋ ಟ್ರೈ ಕರೂಂಗಾ ದೇನೆ ಕಾ. ಓಕೆ, आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? पहले वोट है या आप पहले वोट डाल चुकी है आप? नहीं नहीं, फर्स्ट वोट है. फर्स्ट टाइम वोटर. क्यों बीजेपी? मोदी इतने टाइम से है और इतना डेवलपमेंट हो चुका है, तो आगे जाके और भी डेवलपमेंट होगा. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चांस नहीं देना चाहते? नहीं, मोदी. क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो यूपीएससी में कर रहा हूँ तो मुझे इसमें राजकारण में नहीं पढ़ना है. लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि जहाँ भी कोई मतलब प्लेस है वहाँ पे आप भी चलता है. कुछ जगह ऐसी है जो मतलब भाजपा चल रहा है, मतलब वहाँ उसका जो दबदबा है, और कांग्रेस की भी अभी अच्छी दावेदारी है. आगे कौन है? आगे तो अभी लग रहा है आप आएगा आम आदमी पार्टी. क्यों? क्योंकि अभी तक गुजरात में जो सरकार है भाजपा, तो उसमें सब लोग सोच रहे हैं कि अभी नया कुछ परिवर्तन हो सकता है. लेकिन जो दिल्ली में डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक सेक्शन है, जो सोशल डेवलपमेंट है, ऐसा गुजरात में भी है. लेकिन अभी तक आम मतलब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी नई सरकार आए, कुछ ऐसा नया बदलाव हुए, नया परिवर्तन डेवलपमेंट हो सकता है, इसलिए सोच रहे हैं कि आप आए. ऐसा आपके हिसाब से चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अभी एजुकेशनल डिपार्टमेंट संभालना है और हॉस्पिटल डेवलपमेंट ये सब देखना है, हेल्थ डिपार्टमेंट सब संभालना है, तो देखते हैं. आप तो अब मुझे तो बीजेपी ही लगता है कि बीजेपी आएगी. हाँ, स्टूडेंट के सबसे लिए बड़ा मुद्दा यही है कि कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट करे, सेल्फ है वो थोड़ी कम कर दे. गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा हो तो ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे. केजरीवाल बोल रहे हैं दिल्ली में बहुत बड़ा काम किया हमने एजुकेशन में, गुजरात में भी करेंगे, फ्री में देंगे एजुकेशन, स्वास्थ्य फ्री में देंगे, एक चांस दीजिए, पूछ रहे हैं. हाँ, नहीं, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं पहले से बीजेपी में हूँ. ओके, आप किसको वोट देंगे भैया? आम आदमी पार्टी. क्यों? क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो हमको मतलब पसंद होता है, रिलेटेड मुद्दे पसंद होता है. हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य, जैसे कि वो सबको फ्री में स्वास्थ्य दे रहे हैं, स्वास्थ्य गारंटी दे रहे हैं, फिर एजुकेशन सबको फ्री दे रहे हैं. फिर हमें तो सिर्फ मिडिल क्लास को तो वही चाहिए एजुकेशन, और जो मिडिल क्लास की जो कमाई है वो सब तो उसी में ही चली जाती है. बीजेपी 25 साल में वो काम नहीं किया. बीजेपी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, जो प्राइमरी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं मिलती अंदर के जो गाँव है वहाँ पे. आप कहाँ से आते हैं भाई? हम सुरेंद्रनगर से. कहाँ? अहमदाबाद से? अहमदाबाद के पास, यहाँ सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है, रूरल डिस्ट्रिक्ट है. ओके ओके, जो रूरल आप गांव से है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है वो लोकल. ओके, क्योंकि सिटी में जो है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जो बीजेपी है वो उस पर ही वोट मांगती है, लोग इस पर ही मुद्दे देते हैं, और गाँव में तो ऐसा नहीं होता है. गाँव में पर कुछ रियल इश्यूज है गाँव में. केजरीवाल है, उसने वो वादा दिया है हम सब फ्री में देगा एजुकेशन. Okay. पूरा फ्री में होगा. Okay. और आप देख ही सकते हैं यूपीएससी जीपीएससी या फिर नीट जी कोई भी हो, उसमें दिल्ली के ही बच्चे टॉप कर रहे हैं अभी, वो भी वहाँ के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए. अभी मेरा फर्स्ट वोट है, मैं बीजेपी को वोट दूंगी, क्योंकि ऐसा है कि बीजेपी तरह तरह के कंट्री में जाते हैं और वो देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है गुजरात में और इजीली जॉब मिल जाता है. नहीं, इजीली नहीं मिलता जॉब. कांग्रेस भी बहुत क्या है होप दे रही है लोगों को, हम ऐसे करेंगे. आम आदमी पार्टी भी कोई बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को चांस देने के बारे में नहीं सोच रहे हो आप लोग? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आएगा और कुछ गलत हो गया तो मतलब देश का क्या होगा, इसीलिए सब बीजेपी को ही ऐसे ही ट्रस्ट हो गया ना बीजेपी पे. बीजेपी पे ट्रस्ट मोदी जी से, और इधर सीएम है ना भूपेंद्र पटेल, मोदी जी से, सिर्फ मोदी जी से. कौन जीतने वाला है वो तो अभी बता नहीं सकते कौन जीतने वाला है, पर हमारे ओपिनियन से तो बीजेपी ही जीतेगी. बीजेपी? हाँ. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी,
आम आदमी पार्टी ले जाएगी थोड़ा, मतलब भाजपा को बीजेपी को थोड़ा सा लोड आएगा, झटका लगेगा। अहमदाबाद सीट पे तो नहीं आ पाएगी। कौन देगा? आम आदमी पार्टी देगा, कांग्रेस देगा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है बीजेपी के सामने। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कांग्रेस की एक सीट भी नहीं आई थी, बीजेपी ले गई थी सभी सीट। तो लास्ट साइड लगता है कि इस साल थोड़ा आम आदमी पार्टी लास्ट लेके जाएगी। लास्ट टाइम तो फाइट दिया था कांग्रेस। नहीं नहीं नहीं, लास्ट टाइम नहीं, आम आदमी पार्टी था, आठ सीट सूरत में ले गया था वो म्यूनसिपल इलेक्शन में। इस बार आपके हिसाब से बीजेपी? बीजेपी क्यों? क्योंकि वो गुजरात राज्य सरकार अच्छा काम किया और मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे नहीं काम भी किया है, लेकिन अब बदलाव भी आना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस बार जो चुनाव में अच्छा करेगी तो उसके बाद आप लोग भी देख सकते हो कितना डेवलपमेंट हुआ गुजरात में बीजेपी की वजह से। यू कैन सी दैट मेट्रो भी आ चुका है अहमदाबाद में, कभी कहीं भी नहीं है गुजरात में, अहमदाबाद में ही क्यों है। यू कैन सी दैट द डेवलपमेंट सिर्फ शहर में है और गांवों में भी है। नहीं, मैं वैसे नेटिव में ही रहता हूँ, मेरे हम लोग इधर पढ़ाई करने आए हैं, हमारे गांव में भी है डेवलपमेंट। आप गांव से है? यस yes. कौन सा गांव से? मैं मोरबी से हूँ। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं हम स्वास्थ्य फ्री में देंगे और शिक्षा फ्री में देंगे। मुझे लगता है कि फ्री में चीज़ें ना मिले तो अच्छा है, जिसको ज़रूरत है उसको फ्री में स्वास्थ्य सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है उसको देके हम अपनी इकोनॉमी को ही वीक वीक कर रहे हैं। नंबर सेकंड कांग्रेस होगा, आप होगा? नहीं, आप होगा, आप होगा, आम आदमी पार्टी। तो आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस पार्टी नंबर थ्री में जाएगा? हाँ, नंबर थ्री में। कोई नहीं, बीजेपी जीतेगा। कोई आया, आप आया, कांग्रेस आए, बीजेपी जीतने वाला है। क्यों? मोदी का राज है यहाँ पे, 25 साल से मोदी का राज है, बीजेपी का राज है। तो और 25 साल चलेगा? ओके, 25 या 50 साल चलेगा, 50 साल चलेगा बीजेपी का राज। तो 50 साल चलेगा। केजरीवाल राहुल गांधी को चांस नहीं देंगे? कोई चांस नहीं है उनका आने का। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा क्या जादू है इधर मोदी जी का? ये ऐसा जादू नहीं, उसने जो जो किए प्रीवियस में, जो पास्ट में जो किया है, अभी फ्यूचर में जो प्लानिंग है उसका, सब बहुत अच्छे। इसलिए मेरे को लगता है मोदी ही आने वाला है। आप क्या सोचते हो? बीजेपी, बीजेपी आएगा। सेम रीजन? सेम रीजन, सेम रीजन। कौन आगे है, कौन पीछे है? बीजेपी ऑफकोर्स, वही आने वाली। सवाल ही नहीं है, कोई सवाल भी नहीं और कोई जवाब भी नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। केजरीवाल पूछ रहा है मैं शिक्षा फ्री में दूंगा, स्वास्थ्य फ्री में दूंगा। वो सिर्फ बोल ही रहा है ना, मोदी जी कर रहे हैं इसलिए आएगा तो मोदी। ओके, आप बोल रहे हैं कुछ फ्री में नहीं चाहिए गुजराती को, कुछ फ्री में नहीं चाहिए गुजराती को, कुछ फ्री में नहीं चाहिए, सिर्फ मेहनत का चाहिए। आम आदमी पार्टी आप बोल रहे हो कोई सीन में नहीं है, कांग्रेस सीन में नहीं है। अगर आप 1, 2, 3 ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में आप रखेंगे पार्टी को, आपके हिसाब से बीजेपी नंबर वन है, 2 और 3 में कौन 2 है कौन 3 है? वो तो आप बढ़ते ही नहीं, बीजेपी आ गया फिर क्या, फर्स्ट में बीजेपी रखो। सेकंड कौन? सेकंड हम कांग्रेस को रखते हो, आम आदमी पार्टी तो उनको मिली सूरत, वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में शासन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। फर्स्ट हमको बीजेपी, सेकंड कांग्रेस और थर्ड आम आदमी पार्टी। थर्ड आम आदमी पार्टी, ओके। आपका पॉलिटिकल प्रेफरेंस बीजेपी है, फिर भी आप स्टूडेंट्स लोग हैं ना, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू क्या है गुजरात में? वोट डालने के लिए जब यूथ जाते हैं दिमाग में क्या होता है? सबसे पहले तो एजुकेशन। ओके, आप एजुकेशन में क्या कर रहे हो? आप वो आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल कह रहे हैं कि हम एजुकेशन ऐसा बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। बीजेपी कितने सालों से हमको एजुकेशन अच्छा दे रही है और वो देगी, इसीलिए मैं ऐसा कहूँगा बीजेपी को वोट दीजिए। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप गवर्नमेंट से? एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे मेन इशू है स्टूडेंट्स के लिए, कि आप एजुकेशन कुछ भी ले लो, आपको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, गुजरात में अच्छे डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन रिलेटेड, और अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को। करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है यूथ के लिए गुजरात में? जी है। आप क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। बाद में अहमदाबाद में जॉब मिलने का आपको विश्वास है या बेंगलुरु आना पड़ेगा? अहमदाबाद अभी एक ट्रेंडिंग IT सेक्टर है, मेरा जो फील्ड है IT सेक्टर है, तो अहमदाबाद में भी अच्छी जॉब है, और अहमदाबाद से निकल के बेंगलुरु तो है ही। कभी बेंगलुरु आए हो? ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಮೇರಾ ನಾಮ ಫಿರೋಜ್ ಕ್ಯಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಅಭಿ ಅಭಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತೋರ್ ಪರ್ ದೇಖನೆ ಜಾಯೆ ತೋ ಅಭಿ ತೋ ಮಾಹೌಲ್ ಐಸಾ ಕುಚ್ ಲಗ್ ನಹೀ ರಹಾ ಹೈ ಬಾಕಿ ಅಭಿ ಯೇ ಜೋ 22 ತಾರೀಖ್ ಕೋ ಜೋ ಛೇಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಜೋ ಖೇಚೆಂಗೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಜಾನೆ ತೋ ಬಹುತ್ ಗರಂ ಹೋಗಾ ಚಾರೋ ತರಫ್ ಸೇ ಜಬ್ ಪತಾ ಚಲೇಗಾ ಕಿ ಕಿಸ್ಕಾ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮಾಮಲಾ
बाकी मध्य कोशिश से ऐसे देखने जाए तो बीजेपी का जोर अभी ज्यादा है, बीजेपी आगे है, अभी बीजेपी का जोर है। 25 साल से भाजपा गुजरात में है फिर भी आगे है, फिर भी आगे है। केजरीवाल को राहुल गांधी को चांस नहीं देते? कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी आएगी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि विकासों का काम किया है, बाकी अभी वो थोड़ा जैसे बोल रहे हैं लोग के महंगाड़ी है, तो महंगाड़ी के हिसाब से तो आबादी बढ़ेगी तो महंगाड़ी तो होगी ना। ओके अंदर और ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಮೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಚ್ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ ರಹೆ ಹಮ್ ಇದರ ಆಯೆಂಗೆ ಬೋಲ್ ರಹೆ ಔರ್ ವೋ ಬೋಲ್ ರಹೆ ಹಮ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫ್ರೀ ಮೇ ದೇಂಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಫ್ರೀ ಮೇ ದೇಂಗೆ ವೋ ನಹೀ ಚಾಹಿಯೇ ये वो बोल रहे हैं, बाकी ये तो एक्चुअली में देखने जाए तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन क्या कर रहा है और क्या कितना कर रहा है। ऐसे तो हमारे मोदी जी ने भी किया, अपन अभी ये मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, विकास का काम बताएगा उसके बाद में ये सब इसको लाया जो है वो सब उसके बारे में भी है तो मोदी जी आगे सोचेंगे और उसका आगे तो उसका डेवलप भी करेंगे। अभी क्या है कि उन्होंने जो बताया था कि हम ये करेंगे ये करें, पर उसमें भी एक टाइम चाहिए। चुनाव का इशू क्या है? चुनाव का इश्यू तो अभी अंदर सब यही अंदर जा रहे हैं कि अगर सत्ता जो भी अगर नहीं भी बदलाएगी तो इससे भी खराब महंगाई हो जाएगी। केजरीवाल का भी इस बार तो यहाँ प्रचार ज़्यादा लग रहा है और ऑटो वालों का यार सबका थोड़ा जोर ज़्यादा है केजरीवाल पे, हालांकि उन्होंने दिल्ली में काम बताया उनका और दिल्ली में किया दिखा रहा है लेकिन और पंजाब का भी दिखा रहा है उनका काम बोल रहा है ना, इसलिए तो केजरीवाल इतना गुजरात में। बाकी केजरीवाल के पहले कभी राहुल गांधी का भी पहले एक दौर था कि भाई कांग्रेस की सीट में इन सब लोगों का नाम आता था, बाकी अभी ये लोग करते ज़्यादा केजरीवाल का नाम है। अगर अपने बीजेपी के बाद कोई है तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो है भाई, अब कांग्रेस के इतना वो जोर नहीं रहा ना, अभी इतना कोई प्रचार भी नहीं है, एडवर्टाइजिंग भले ये लोग करते हैं भाई जोर नहीं है, पावर वाले इंसान नहीं है इनके पास। राहुल गांधी पावर वाला है ना भाई, वो स्पेशल थोड़ी है भाई, वो स्पेशल थोड़ी गुजरात आएगा राहुल गांधी, कांग्रेस वाले जो इतना पावरफुल नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस का गुजरात में 25 साल से सत्ता में नहीं आ पा रहे? अब यार काम तो सब हर कोई करा है, बाकी बीजेपी का हिसाब ऐसा है ना कि सब डेवलप बता रही है, महंगाई भी बढ़ गई है, महंगाई भी जो चाहिए उससे ज़्यादा है कुछ, बाकी ये भी का अगर छतला बदला भी जाती है तो थोड़ा इंसान डिप्रेशन में आ जाएगा और जो नवे सर से पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, सब सबका अलग तरीका होता है काम करने का, अभी बीजेपी का हाथ में और इन लोगों ने डेवलप भी करा है और बोलते भी है कि आगे कुछ होगा। बाकी मेन तो इश्यू सबसे बड़ा इश्यू तो मेरे लिए तो अपने ये मानते हैं कि एजुकेशन बच्चों का बहुत हार्ड है, अभी एजुकेशन बहुत हार्ड पड़ रहा है। और स्वास्थ्य भी यूँ मतलब कि अभी मेडिकल के अंदर तुम देखो अभी हॉस्पिटल है ऐसी भी है गवर्नमेंट की कि वहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। और बोल रहे थे इस बार आम आदमी पार्टी बहुत इधर प्रयास कर रहा है ना, इसलिए क्या हम बाहर से सुन रहे थे कि कांग्रेस का वोट इस बार आम आदमी पार्टी को थोड़ा कुछ जा सकता है, आप क्या सोचते हो, भाजपा का भी वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा या सिर्फ कांग्रेस का जाएगा? जा सकता है आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि किसका वोट जाएगा, भाजपा का जाएगा और कांग्रेस का जाएगा? पब्लिक के ऊपर तो कोई डिपेंड नहीं करता, सबके मूड के ऊपर आधार है और कोई बोल नहीं सकता कि भाई मैं इसको वोट दूंगा, ये प्राइवेसी होगा। लेकिन आप ऑटो चलाते हैं ना, क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो क्या कि भाई आम आदमी को भी चांस थोड़ा मिलना चाहिए, बीजेपी को भी वोट चांस तो दिया वो टाइम भी और यहाँ है भी, बाकी तो भी जो लेवल हैगा वो बहुत हाई जाता है, बजट का जो मेंटेनेंस जो भी लग रहा है जितना भी काम भी करा है, अभी अटल ब्रिज दाखला तरीके बना है इसके ऊपर भी 30 रुपये टिकट है, मीडियम वर्क वाला इंसान कोई भी आएगा चार इंसान की फैमिली को भी लाएगा तो 1000 उसको मेंटेनेंस तो मिल जाएगा नॉर्मल बैठे इधर, बाकी ये चलो बनाया तो 10 रुपीज टिकट रखते हैं। ये अटल ब्रिज बना ना, इससे आपको ज़्यादा टूरिस्ट आता है, भाड़ा भी ज़्यादा होता है ना, टूरिस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, मतलब पब्लिक देखने भी आता है और उसी हमारा ऑटो के हिसाब से तो यहाँ तो काम बढ़ा है, टूरिस्ट का भी काम बढ़ा है, पहले अहमदाबाद में इतने सारे टूरिस्ट नहीं आते थे, अभी जो देखने मिला है अभी ये इस साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टूरिस्ट देखने मिला है,